टॉक अबाउट स्किन केयर, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। यार जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग सिर्फ स्किन केयर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग स्टाइलिंग और ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे। अब जहाँ पे स्टाइलिंग की बात आती है, वहाँ पे मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में लग रहा था यार फैशन, मतलब फैशन कैसे करना है। अब फैशन का मतलब ये नहीं है कि यार आप लोग कुछ भी को पहन लो को कि यार ये तो फैशन है। स्टाइलिंग मतलब यार आप लोगों ने सोबर कैसे रखना है, क्योंकि स्किन केयर के साथ साथ अपनी अपीयरेंस पे भी वर्क करना यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब ही आपकी लुक कंप्लीट होती है। जब आप अपनी स्किन के बारे में इतना ख्याल रखते हो तो यार आपको अपनी प्रेजेंस के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा आपको आपकी फर्स्ट लुक पे जज करता है कि मतलब आप उसको देखने में कैसे लग रहे हो, आप उसको प्लीजिंग लग रहे हो कि नहीं। तो यार ये आपका राइट है कि आप दूसरों को प्लीजिंग लगने चाहिए, तो यार प्लीज़ अपनी स्टाइलिंग पर तवज्जो दो। हम बात करते हैं आज अपनी प्रोडक्ट पे। तो आज हमारी वीडियो है फर्स्ट एपिसोड अबाउट स्टाइलिंग। ये वीडियो मतलब लंडन स्पिच की ब्रांड के बारे में है कि यार मैंने उनसे ट्रैक सूट मंगाया था, वो कैसा आया, क्या सारा मेरा सुनहरी रहा, अब उनका जो ट्रैक सूट है हम उसको कैसे पहन सकते हैं, उसको कैजुअल वेयर में कैसे पहन सकते हैं, उसको सेमी फॉर्मल लुक में कैसे पहन सकते हैं, और पूरा उसको एज अ ट्रैक सूट कैसे पहन सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट। दी पैकेजिंग इज राइट हेयर। यार मुझे पहले ही ओपन करना पड़ा क्योंकि मुझे शूट करना था, तो इसलिए मुझे पहले ओपन करना पड़ा। तो अब अंदर प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें ये स्लिप मिलती है, उसमें वो लोग ये आइटम के बारे में बता रहे हैं, उसके अलावा जितना भी आपका बिलिंग वगैरह सब कुछ। उसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं सही आती, अगर आपको कोई रिटर्न या एक्सचेंज वगैरह कराना है, तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू इनके रिटर्न करवा सकते हैं, आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं आपको पहले पिक दिखा देता हूँ कि मैंने ये क्या ट्रैक सूट है और मैंने क्या किस किस लिहाज से मंगाया है, और उसके बारे में बात करते हैं बाद में हम। सबसे पहले यार ये ट्राउज़र है, ये देखें आप इसके ये साइड पे ये स्ट्रिप डिज़ाइन आ रहा है इस पे, मतलब गुची के स्टाइल में यही हुआ है सारा। तो ये इसका ट्राउज़र है सेम, और ये इसकी हुडी है। साइड पे ये लंडन स्पिच का लोगो है, उसी तरह पूरी मतलब आर्म्स पे हुई हुई है, साइड स्ट्रिप का डिज़ाइन है, इस साइड पे भी साइड स्ट्रिप का डिज़ाइन है, और बस ये कंप्लीट ट्रैक सूट है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रांड के बारे में दिखा दूँ कि सारी ब्रांड किस बारे में बात है, और ये मुझे ऑफ में मिला क्योंकि उनका आई थिंक ब्लैक फ्राइडे का ऑफ लगा था जिस दौरान मैंने ये मंगवाया, और अभी भी ऑफ लगा हुआ है आई थिंक न्यू ईयर के लिहाज से। तो जस्ट गेट एंड गो ग्रैब योर आइटम, विल लिंक डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रांड इन द बिलो, तो जस्ट गो एंड ग्रैब योर थिंग। लेट फर्स्ट गेट्स इन टू दी ब्रांड स्विच गाइज। यार एज यू कैन सी यार दे आर अ लॉट ऑफ कूल डिज़ाइन, एंड यार कलर्स भी बहुत कूल कूल हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ कर सकते हो। देख लो यहाँ पे स्ट्रिप डिज़ाइन हैं, बिल्कुल कैजुअल वेयर में डिज़ाइन हैं, और यहाँ पे आई थिंक कैमोफ्लेज डिज़ाइन भी हैं, मैं ज़रा आपको दिखा दूँगी कैमोफ्लेज डिज़ाइन हैं। उसके अलावा भी यार बहुत कूल कूल हैं, आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी बाय कर सकते हो, क्योंकि यार बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इजी। अब मैं आपको मतलब अपने वाले दिखाता हूँ जो मैंने बाय किया, ये बाय दी इट्स चीज गुची स्टाइल है ये। अब मैं क्लिक अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, ये मतलब मुनी बट है इसने बना हुआ है। और यार लेकिन हमेशा जब भी आप ट्रैक सूट करते हो अपना साइज लाजमी चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड ने पूरी साइज गाइड दी, तो लाजमी अपना साइज हम चेक लोग करके बात लेना। कर लेते हैं कि यार ये किस कपड़े का बना हुआ है, मतलब कि क्या इसका कपड़ा है। तो दिस इज़ मेड ऑफ 100% प्योर फ्लीस, और यार बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब कि फील बहुत लेवल है, मतलब पहन के मज़ा आ जाता है। और इफ़ यू आर अ जिम गाय तो यू वुड प्रोबेबली लव इट लव इट। और अगर आप ना मतलब जिम नहीं भी जाते तो यार प्लीज़ आप ले सकते हो, आप ट्रैक सूट बहुत अच्छे लगते हैं यार, आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप जब भी मंगाओ तो अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से मंगाओ तो, और हमेशा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगाओ। यार ये नहीं कि आप इतना बड़ा मंगवा लो कि लगे कि आपके अपने अबू का पहना हुआ है, और इतना छोटा भी ना मंगवा लो कि लगे यार कि छोटे भाई का पहना हुआ है। तो एग्जैक्टली अपने सेम साइज़ के मुताबिक मंगवाना है, अपने जो ब्रांड है उसने मतलब साइज़ चार्ट दिया हुआ है, उसमें उसने सब कुछ बताया हुआ है, लेंथ कितनी है, वेट कितनी है। तो जस्ट फर्स्ट पहले इंची स्टेप लेकर अपनी सारी मेजरमेंट्स ले लिया, और उसके बाद अपना ऑर्डर आप लोग प्लेस करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम इसको पहन कैसे कैसे तरीकों से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एज अ पूरा ट्रैक सूट आप इसको पहन सकती हैं, तो पहले अपना शूट देख लें कि मैंने इस कैसा पहन के लग रहा है, कैसी लुक आ रही है, उसके बाद बकाया दूसरी बात तरीके से बात करते हैं। दूसरी बात यह है
है कि यार अगर आपने बोला ट्रैक सूट ले लिया, तो ये नहीं कि आप सिर्फ एज अ इसको अलहदा तौर पे पहने, आप इसको ट्राउज़र को अलहदा पहन सकती हैं और आप इसके हुडी को या अपर को अलहदा पहन सकती हैं। अब दोनों चीज़ों को आप लोग एज अ कैजुअल वेयर भी पहन सकते हैं, एज अ सेमी फॉर्मल वेयर भी पहन सकती हैं। अब कैजुअल में सीन क्या है, कैजुअल में आप किसी भी यार जीन्स के साथ पहन लो, किसी भी ट्राउज़र के साथ पहन लो, तो वो फंकी लुक देता है, तो बड़ी कूल लुक आती है, तो आप उसे एज अ कैजुअल वेयर में पहनते हो। इसी तरह ट्राउज़र को भी आप किसी स्वेट शर्ट के साथ पहन लो, या किसी भी आप कोई अपनी शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ पहन लो, या पोलोस के साथ पहन लो, तो बड़ी कूल लुक आती है। तो मतलब ये नहीं कि आपने इसको सिर्फ एज अ अलहदा पेयर ही पहनना है, आप इसको इंडिविजुअली पहन सकते हो, मतलब हुडी को अलहदा और ट्राउज़र को अलहदा। और अब आप इसको सेमी फॉर्मल वे में कैसे पहन सकते हो, यार मतलब आप भी अपना कोई भी ड्रेस पहनो, ड्रेस शर्ट पहनो यार, उसके साथ भी कोई भी आप अपनी पैंट जीन्स कर लो, या वैसे ही अपनी कॉटन जीन्स कर लो, या फॉर्मल पैंट्स कर लो, और उसके ऊपर भी आप पहनोगे तो आप बड़े कूल लगोगे। तो मैंने हर तरी लिहाज से इसका शूट किया, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं शूट के फॉर्मल वे में कैसे पहन सकते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे सेमी फॉर्मल वे में कैसे पहन सकते हैं इसे। पहले तो सिंपल यार, यहाँ पे आप हुडी को किसी भी अपने ट्राउज़र के साथ पहन सकते हो, कोई भी कैमोफ्लेज ट्राउज़र हो गया, आर्मी ट्राउज़र हो गया, कूल लगने के लिए। अब देखें यहाँ पे मतलब कितनी फंकी फंकी और कूल लुक लग रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यार आप इसके अंदर कोई भी अपनी मतलब अगली पिक में देखें स्वेट शर्ट पहन सकते हैं, या कोई भी अपनी वो शर्ट पहन सकते हैं, क्योंकि यार लेयरिंग जो होती है ना, अगर आप चबी हो तो आपको स्मार्ट दिखाती है, तो इसलिए आप इसको भी ऐड कर सकते हैं एज अ लेयर के तौर पर, कूल लगता है। उसके बाद थर्ड मैंने एज अ मतलब डबल हुडी के तौर पे पहना है, डबल हुडी के तौर पे भी यार आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। आप अपनी जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, और साथ आपकी कम्बिनेशन में ब्लैक जोकर्स कर लो, वाइट जोकर्स कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यार बहुत कूल लगता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह पहन सकते हो। फिर एज अ मतलब ट्राउज़र को आप किस तरह पहन सकते हो, आप अपनी स्वेट शर्ट के साथ पहन सकते हो, उसके बाद आप साथ साथ अपने कोई भी स्वेट शर्ट के साथ मैच जोकर्स कर लो, या अपने ट्राउज़र के साथ मैच जोकर कर लो। फर्दर आप इस पर यार अपनी कोई भी जैकेट ऐड कर लो। अब देखो जैसे मैंने सेम स्वेट शर्ट के साथ मैच में ऐड किया, और साथ सेम जोकर्स कर लो, स्टाइलिश लगोगे यार। यार अब आप इसको एज अ सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल वे पे कैसे पहन सकते हो, आप अपने कोई भी कॉटन जीन्स ले लो, उसके साथ अपनी ड्रेस शर्ट पहन लो, ड्रेस पेंट कर लो, और उसके साथ ऊपर ये हुडी पहन लो, बहुत कूल लगती है, साथ कोई भी लोफर्स कर लो कूल से। इफ़ यू लाइक दिस ट्रैक सूट यार प्लीज़ गिव इट द थम्स अप एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं पूरा शूट वहीं पर लगाऊंगा कि एज अ कैजुअल वेयर कैसे पहन सकते हो, एज सेमी फॉर्मल वे कैसे पहन सकते हो, एज अ ट्रैक सूट कैसे पहन सकते हो। तो यार इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ थम्स अप।